आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जीत से पहले खुशी क्यों नहीं मनानी चाहिए। और साथ में एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जो कि भाई बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक, हमारा लास्ट तक पीछा ही नहीं छोड़ता। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं उतरा होता हूँ ट्विन ब्रिज में, जैसा कि है कि मेरा रोज़ का काम हो चुका है ट्विन ब्रिज में उतरने का। और यहाँ पर हम लूट करते हैं, बहुत सारी लूट करते हैं, लूटा लाटी करते रहते हैं यहाँ पर बहुत देर तक। और यहाँ पर लूट करने के बाद हम निकल पड़ेंगे दूसरी जगह की ओर। और यहाँ पर हमारे को सामने एक लूट दिखती है जिससे कि हमें लूट मिल सके, समझे कि हमें लूट दिखी जिससे कि हम लूट ले सके। और यहाँ पर हम जाते हैं लूट के पास जिससे कि हम वहाँ से लूट कर सके। देखा मैंने कैसे लूट को लूट से लूटा दिया। ऑल राइट, तो यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि एक बंदा सामने से लूट को लूटने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर वो भाई बंदा हट के नहीं दे रहा है यहाँ से लूट से, क्योंकि मेरे को लूटना है वो लूट। मैं यहाँ पे इसकी बहुत बजाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही बजाता हूँ। और यहाँ पर आखिरकार मैं इसे नॉक कर देता हूँ और मैं इसे साथ में फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि इसने हमारी बहुत सारी लूट ले रखी थी तो उसका बदला भी लेना था। और यहाँ पर हम इस लूट को लूट ही लेते हैं और बहुत देर तक लूटते हैं। और लूटने के बाद हम निकल पड़ते हैं दूसरे एरिया की ओर। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि फ्री फायर में आपको कुछ भी ना करने का एक फल जरूर मिलता है, जो कि है ये। देखा, फ्री फायर में अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भाई आपको ये जरूर मिलेगा। मैं यहाँ पर देख रहा था कि कोई बंदा तो नहीं है मेरे आसपास, और बगल में चोरी, गांव में ढिंडोरी, यही वाला काम हो गया। मेरे पीछे से एक बंदे ने मेरी गोली मार दी और अब उस बंदे से हम बदला लेंगे, मेरे हेड शॉट का बदला। तो देखते हैं क्या हम उस बंदे से मेरे हेडशॉट का बदला ले पाते हैं या नहीं। तो मेरा दोस्त निकल पड़ता है उस बंदे की तलाश में और साथ में मैं भी निकल पड़ता हूँ बहुत ध्यान से, क्योंकि हेडशॉट खाया है मैंने, मैंने बहुत प्यारा हेडशॉट खाया है और मैं एक और हेडशॉट नहीं खाना चाहता। मेरा बंदा यहाँ पर लूटा लाटी भी कर रहा है, डर नहीं है उसका किसी बात का, लेकिन मेरे को है भाई। मैंने अभी एक हेडशॉट खाया और सामने मैं एक बंदे को देखता हूँ और मैं फायर करता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं मार पाता। वो पता नहीं वहाँ से भाग जाता है और मेरे बंदे को एक आवाज़ आती है कि यहाँ पर एक बंदा है। तो क्या हम उस बंदे को मार पाएंगे, देखते हैं। मैं बहुत चौकन्ने होकर चल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने हेडशॉट खाया है, जैसे कि हमें पता है कि मैंने अभी अभी एक बहुत प्यारा हेडशॉट खाया है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कहाँ पर है बंदा, कहाँ पर होगा। वो लुका हुआ है बंदा पेड़ के पास। और भाई साहब, उस बंदे को मारते ही मेरे सामने एक बंदा, बंदे पे बंदा, क्या मैं इसे मार पाऊँगा, देखते हैं। यहाँ पर मैं बनता हूँ वुकोंग, वो भी वुकोंग, वुकोंग वर्सेस वुकोंग, कौन जीतेगा। यहाँ पर मैं नेड़ करता हूँ लेकिन मेरा बैग खुल जाता है और यहाँ पर मेरा नेड़ मेरे पास ही गिर जाता है, जिससे कि मैं बच जाता हूँ क्योंकि वो कुक नहीं था। अगर वो कुक होता तो मेरा कुक बना देता। मैं उस बंदे पर नेड़ करता हूँ, वहाँ पर उसके फटके चार, और क्या वो मरेगा, क्या वो मुझे मारेगा। और यहाँ पर मेरा दोस्त उसे एक मार के मेरे से किल भी छीन लेता है और उस बंदे का बदला भी, उस बंदे से मेरा बदला भी पूरा हो जाता है। लेकिन एक बार और मेरे को हेडशॉट पड़ जाता है इस बंदे से, तो भाई मेरे को बदला लेना है। अब इस बंदे को दौड़ा दौड़ा के मारना है क्योंकि भाई इसने दो बार हेडशॉट मारा है। मेरे को जितनी उम्मीद है कि इसने मेरे को दो बार हेडशॉट मारा है, एक पहले मारा था और एक अब जा मारा है, तो इसको दौड़ा दौड़ा के मारना है। मैं सोचता हूँ कि बंदा वो अभी भी वहीं पर है, लेकिन नहीं, मैं गलत था, वो बंदा तो आगे भाग चुका है। और जैसे ही मैं देखता हूँ उस बंदे को, मैं उस पर फायर करता हूँ लेकिन वो अभी बच जाता है। क्या हम उसे मार पाएंगे या वो हमें मार देगा। हेडशॉट तो उसके बहुत प्यारे हैं, दो बार खा चुका हूँ, क्योंकि मैं मेरे से पूछो कि कैसे मारे उसने हेडशॉट। और अब वो भागता ही जाता है, बहुत भागता है भाई, वो बहुत बहुत ज़्यादा भागता है, वो इस एरिया में भागता है। मैं देख लेता हूँ उसे और मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन उसे ग्लोअल बचा लेती है। अगर उसको वहाँ पर ग्लोअल ना लगी होती तो मैं उसको अब तक पेटी बना लेता और हम दोनों वहाँ पर पेटी लूट रहे होते, जिससे कि हम पेटी पेटी हो जाते। पता नहीं क्या बोला मैंने, लेकिन हाँ, मेरी भावनाओं को समझो, मेरे वर्ड्स में मत जाओ। और यहाँ पर मैं बहुत ट्राई करता हूँ तोड़ने का, लेकिन नहीं टूटता ग्लोअल। और यहाँ पर हम उस पर रश बोल देते हैं, मैं घूम के जाता हूँ जिससे कि वो मेरा पता ना लगा पाए, लेकिन मैं गलत था, बहुत ज़्यादा ही गलत, क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा ही दिमागदार वाला है। मैं जैसे ही घूम के जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर होगा बंदा, और मैं यहाँ पर जंप करते हुए बंदे पे फायर
लेकिन नहीं, बंदा यहाँ पर नहीं है। मेरे को लगता है कि बंदा भाग चुका है। मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, लूटो यहाँ पर, यहाँ पर लूटो, बहुत दबा के लूटो। लेकिन लेकिन अफसोस, यहाँ पर कुछ होने वाला है जिससे कि मैं बहुत घबरा गया भाई, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। देखते हैं कि क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे को यहाँ पर थोड़ी बहुत से अंदाजा होता है कि बंदा हो सकता है, और यहाँ पर क्या देखता हूँ मैं, यहीं पर है बंदा। और यहाँ पर मेरे को पता था अगर मैं यहाँ पर रुका रहा तो मैं जरूर मरूंगा। तो यहाँ पर मैं कवर लगाता हूँ और बहुत ज़्यादा फायर करता हूँ, लेकिन बंदा हट के नहीं दे रहा। और भाई साहब यहाँ पर उसने नेड किया, मैं नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन लेकिन क्या होने वाला है देखते हैं। भाई साहब बंदा मेरे सामने, और बंदे ने मेरे को मार दिया, और यहाँ पर बंदा नॉक एंड फिनिश, देख रहे हो, अकेला बंदा है। लेकिन लेकिन चोट इसकी बहुत ऊपर लेवल पे है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल पे है। और यहाँ पर कुछ फनी सीन होने वाले हैं, यही फनी सीन कहने वाला था मैं। मेरा दोस्त मेरे को रिवाइव देता है और मैं दोबारा टहल जाता हूँ। वो तो शुक्र है मेरे पास ये छोटी वाली बैंडेज थी जिससे कि मैं जल्दी लगा के भाग जाता हूँ जोन के अंदर, नहीं तो भाई जोन में मर चुका था मैं। और यहाँ पर हम भागते हैं जोन की तरफ जिससे कि हम जोन के अंदर रह सके और बंदों का सफाया कर सके। क्या हम बंदों को मार पाएंगे देखते हैं। यहाँ पर हम बहुत ध्यानपूर्वक खेल रहे हैं, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक खेल रहा हूँ क्योंकि मैं दो हेड शॉट खा चुका हूँ। दो हेड शॉट ये आम बात नहीं है, दो हेड शॉट खाना और उसको झेलना, भाई अब तक मैं पेटी बनी होती, लेकिन दोस्त का साथ और मेरा विकास। और यहाँ पर देखता हूँ मैं एक बंदा, और यहाँ पर क्या मैं से मार पाऊँगा, वुकोंग वर्सेस वुकोंग, फिर से वुकोंग वर्सेस वुकोंग। लेकिन ये भागता है, बहुत ज़्यादा भागता है, पता नहीं दो बार कैसे यूज़ कर ली इसने वुकोंग वाली पावर। लेकिन क्या मैं से मार दूँगा देखते हैं। ये यहाँ पर ये यहीं पर है वो बंदा, और क्या मैं उसे मारूंगा, मेरे साथ वो मर चुका है पहले ही। ओके यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको अब जा कि अगर आपके साथ एक अच्छा टीममेट हो तो आप कैसे भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर हमारा बनने वाला है अभी सैंडविच, सैंडविच मीन्स सैंडविच। और यहाँ पर अभी तक बंदे भी नहीं मिल रहे, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बंदों को ढूंढने की, बहुत ज़्यादा ही कोशिश, कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता मैं कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे को यहाँ पर बंदे भी दिखते हैं, और जैसे ही मेरे को बंदे दिखते हैं मैं उन पर फायर करने वाला होता हूँ, लेकिन मेरे बंदे पे एक फायर कर देता है और यहाँ पर इसको नॉक। और ये देख लो रस्सी टूट गए लेकिन बल नहीं गया, बंदे को हमने नॉक कर दिया। लेकिन फिर भी उसके पास एक रिवाइवल वाला सीन है जिससे कि वो सेल्फ रिवाइव कर सकता है, लेकिन हमने उसे तब भी मार दिया। और यहाँ पर हमने एक और किल कर ली, और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है अब, जब सामने सामने मेरे को बंदे दिखाई देते हैं। लेकिन लेकिन बहुत सीन है अभी, अभी हमारे को जोन के अंदर भी जाना है और बंदे भी है सामने, तो क्या हम जोन कवर कर पाएंगे या जोन हमें ठिला देगा देखते हैं। सामने हमें जोन कवर करना है अब जा, और हमारा बनने वाला है सैंडविच, बहुत ही गंदे वाला सैंडविच जिससे कि हमें बचना होगा। यहाँ पर मेरे को उस बंदा दिखता है, क्या मैं उस बंदे को मार पाऊंगा। और यहाँ पर मेरा दोस्त कर देता है पता नहीं इसे क्या कहते हैं, रॉकेट, रॉकेट नहीं इसे कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं पता नहीं मैं भूल गया, जिससे कि हमें बंदे दिख जाते हैं यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पे है। अभी बहुत सारे हमारे पास ये चीज़ जिससे कि हम बंदों को देख पाए। और यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखाई देता है जो कि सामने ही है, मैं उसे डैमेज देने की बहुत साजिश करूँगा, लेकिन क्या मैं उसे मार पाऊँगा। वो रहा सामने एक बंदा, मैं उसे बहुत डैमेज दूंगा, बहुत ज़्यादा डैमेज, हद से ज़्यादा डैमेज दूंगा, लेकिन क्या मैं उसे मार पाऊँगा देखते हैं। सामने ही है बंदा, और उसे जोन आने वाला है, क्या वो निकलेगा, निकला, और मैंने यहाँ पर उसको डैमेज दिया, और मैंने यहाँ पर उसको नॉक, नॉक के साथ मेरा दोस्त उसे फिनिश कर देगा या मेरे को फिनिश करना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही कैडी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे ही वो बंदा यहाँ पर फिनिश होता है, यहाँ पर एक और बंदा मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया, यहाँ पर उसको मैं फिनिश कर देता हूँ जिससे कि हम सेफ रह सके। और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने दोस्त को कि एक ड्रोन उड़ा दे, हाँ याद आया मेरे को, उसको ड्रोन कहते हैं। मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि एक ड्रोन उड़ा दे जिससे कि हम दूसरे बंदे का पता लगा सके।
और यहाँ पर मेरा दोस्त एक ड्रोन भी उड़ा देता है, और यहाँ पर हमारे को पता लग जाता है कि दूसरा बंदा कहाँ पर है, मतलब कि तीसरा बंदा, हम दो, हमारा एक दुश्मन। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको जीत से पहले खुशी क्यों नहीं मनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक बंदा लाइव है हम दोनों को छोड़कर, सो क्यों ना उसको दोनों मिलके मारे। लेकिन मैं बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा ही गलत। मैं पता नहीं आजकल इतना गलत कैसे हो रहा हूँ, और मैं उसको उसके पास जाने की बहुत ट्राई करता हूँ, मैं क्लोजअप करने की, क्लोजअप टूथपेस्ट वाला नहीं जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर मैं क्लोजअप करने वाला हूँ, क्लोजिंग कह सकते हो उसको, कह सकते क्या, क्लोजिंग ही होती है। और यहाँ पर मैं क्लोजिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन उस मेहनत का मैं फल नहीं ले पाता। यहाँ पर एक नेड़ आया और मैं नॉक। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था, बहुत ज़्यादा जल्दी में बुईया वाली ट्रॉफी लेने के लिए, लेकिन उस बंदे ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। फिर भी अभी भी मेरे पास एक बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मौका है, क्योंकि मेरा दोस्त खेल रहा है और ये भी बहुत अच्छा ही खेलता है। और यहाँ पर ये मारता है दोस्त उस बंदे को, लेकिन नहीं मार पाता अभी। क्या ये मेरे को बुईया दिला पाएगा, क्या बुईया वाली ट्रॉफी मेरे पास आ पाएगी या नहीं। यहाँ पर एक बंदा दोबारा आया, यहाँ पर क्या मेरे दोस्त मार पाएगा इसको। अभी वो जोन के बाहर है, यहाँ पर वो जोन को कवर करता है, ये बंदा भी यहीं पर है, ये बंदा इसको नॉक। लेकिन अभी मेरे दोस्त के पास एक रिवाइवल है, क्या मेरे दोस्त बच पाएगा, नहीं। और इसी के साथ हमारा गेम यहीं पर ख़त्म होता है।